नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिस या पेसू। इसमें मैं ये दूध ले लिया है, करीब एक लीटर के करीब है। इसमें मैं डालूँगी एक चीनी कटोरी और इस थोड़े से इलायची के दाने। इसको मैं मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो चीनी ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये जो मिठाई है ये है ना, गाय के पहले दूध से बनती है। पहला दूध मतलब कि गाय को जब बच्चा होता है उसके बाद जो दूध पहला आता है उसी से ही यह मिठाई बनती है। ये साधारण दूध से नहीं बनती। शक्कर अच्छे से घुल गई है। ये शक्कर हमेशा ठंडे दूध में, मतलब कि जो रूम टेम्परेचर दूध है उसमें ही हम मिलाते हैं। दूध को उबाला नहीं जाता है। जैसे दूध वाला दूध लेके आता है हम उससे लेते हैं और उसको छान लेते हैं और उसमें सीधा शक्कर और इलायची मिला लेते हैं। अब मैं इसको एक थाली में डालूंगी। इसमें कोई तेल घी नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसमें इस तरह डाल देना है। अब हम इसमें स्टीमर में स्टीम करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें पानी डाल दिया है। इसके ऊपर हम, ये पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसके ऊपर ये थाली रख देंगे। इस तरह हमने थाली को कढ़ाई के ऊपर रख दिया है। अब हम इसका स्विच ऑन कर देंगे और इसको एक प्लेट से ढक देंगे। इसके ऊपर मैं काजू भी डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इस तरह हम प्लेट से इसको ढक देंगे जब तक ये जम नहीं जाती, सेट नहीं हो जाती। देखिए अच्छे से जम गया है, दूध हिल नहीं रहा है। इसका मतलब है पिस रेडी हो गई है। अब हम इसको उतार लेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? हम इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करते हैं और फिर इसको जिस तरह से काटना है, डायमंड शेप में या बर्फ़ी के शेप में काट लेते हैं। अभी ठंडी हो गई है पिस, हम इसको डायमंड शेप में काट लेंगे। इस तरह से हम इसको सर्व कर लेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? कृपया लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। हमें इसे बनाने में करीब 10 से 15 मिनट लगा है और ये जलती नहीं है क्योंकि स्टीमर में है। सावधानी ये रहनी चाहिए कि स्टीमर में आपका पानी रहना चाहिए और पानी इतना रहे कि वो इसके अंदर भी ना जाए और सूख के जले भी ना। धन्यवाद।